हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। देखिए, कल मैंने कैप्शन दिया था वन मोर गैप अप, और आज गैप अप हुआ और अभी तक सभी इंडेक्सेस ऊपर ही चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि यूरोपियन बाजार के फ्यूचर भी अप है और एशियन मार्केट के सभी इंडेक्सेस अप है। उसमें आप देखिए तो ये साबित हो रहा है अभी कि मार्केट पूरा दिन अप रहेगी। आज लास्ट सेशन में डाउनफॉल आने की संभावना नहीं है। मैंने जो कॉल आपको दिए थे, मैं आशा रखता हूँ कि उस कॉल ऑप्शन में आपने अवश्य मुनाफा कमाया होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू टाइमली एग्जिट। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइमली एग्जिट करना है हमें। और मेरा अब ऐसा मानना है कि कल से भारतीय शेयर बाजार में तेजी का माहौल छा जाएगा। आरबीआई पॉलिसी में हालांकि इंटरेस्ट रेट कट होने की बात की अभी कोई संभावनाएं नहीं लग रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हाई है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका का यूएस फेड और हमारा आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करे। तो इसके एंटीसिपेशन में, मतलब उसकी आशा में बाजार चलेंगे। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो जो शेयर मैंने कल आपको दिए थे, अभी डाउ जोन फ्यूचर जो है वो 281 पॉइंट्स अप चल रहा है। S&P 500 जो है वो भी 53 पॉइंट अप चल रहा है। नास्डेक में 166.77 पॉइंट की तेजी है, ये फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। यूरोपियन मार्केट में भी FT एंड SE, CAC और DAX, ये तीनों इंडेक्सेस में से एक CAC थोड़ा माइनस में चल रहा है, बाकी दोनों इंडेक्स अप है। अभी मैं एशियन मार्केट की बात करूंगा जो हमें ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो देखिए, निकेई जो है जापान का, वो 1044.85 पॉइंट अप है। स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स जो है वो 62.94 डाउन है। हैंगसेंग जो है वो 264 पॉइंट अप है। ताइवान वेटेड इंडेक्स वो 731 पॉइंट अप है। कोस्पी जो है वो 60 पॉइंट अप है। SET कंपोजिट 17.43 पॉइंट अप है। जकार्ता कंपोजिट 88.70 अप है। और शांघाई कंपोजिट भी 1162 पॉइंट से अप है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ऐसा होता है कि जब मार्केट हमारी खुलती है गैप अप के साथ, और अचानक मान लीजिए कि उसमें दोपहर बाद गिरावट आ जाए, तो इस बीच बीच में फ्यूचर देख लेना आवश्यक है। तो हमारा फ्यूचर तो अच्छा चल ही रहा है निफ्टी का, लेकिन इसके साथ साथ यूरोप और पूरी एशियाई मार्केट अभी फिलहाल अप में है। वो ये दर्शाती है कि शायद जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो अभी कुछ हद तक कंट्रोल में आ रहा है। अगर वो कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर मार्केट रॉकेट बन जाएगी, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। आप लोग हंसते भी है उस पर कि ये चाचा बोल रहे हैं कि मार्केट रॉकेट बन जाएंगे, और आज तो गिर गई, लेकिन यही चाचा ने कल आपको बताया था कि कल मार्केट गैप अप के साथ खुलेगी, और ये खुली है। अभी देखिए, सुजलोन में भी बढ़त है, अभी भी वो बिलो 100 का शेयर है। अगर लॉन्ग टर्म में आप रख सकते हैं तो इसको रख लीजिए। लार्सन एंड टुब्रो भी रख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी रिलायंस में भी तेजी आने वाली है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिलायंस को आप रखिए। और जो जो अच्छे से ज़्यादा गिर गए हैं उसका एक लिस्ट बनाइए। अच्छे शेयर की मैं बात करता हूँ,
जैसा कि एशियन पेंट है कि बर्जर पेंट है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ साथ उनका सीधा ताल्लुक रहता है, ऐसे शेयरों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। और जब भी मार्केट में अच्छा बूम आएगा तब मार्केट डेफिनेटली 100% ये सब शेयर बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। अभी आप देख लीजिए कि हमारा जो मैं आपको बताऊं, हमारा जो इंडेक्स है वो अभी भी अच्छा ही है, कोई उसमें दिक्कत जैसा नहीं लग रहा है फिलहाल, पूरा दिन ये आप ही रहेगा। अभी बात यह है कि आप कौन से ऑप्शन ले सकते हैं या तो कौन से शेयर ले सकते हैं। तो देखिए कल आरबीआई की पॉलिसी है, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत एग्रेसिवली बाइंग मत करें, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी में क्या आता है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का ताल्लुक सीधा उसके साथ है। आप देखिए अभी निफ्टी 295 पॉइंट अप है और सेंसेक्स 825 पॉइंट अप है, ये बड़ी बात है, मॉर्निंग से चल रहा है अभी तक अप ही है। बैंक निफ्टी भी करीब 282 पॉइंट्स की तेजी दिखाता है। तो मैंने कल जो आपको बोला था कॉल बैंक निफ्टी का, उसमें आज आपको अगर मुनाफा मिलता है तो आज ही के आज बांध ले। फिर आज एट द लास्ट सेशन जब 3 PM फैक्टर हमें समझ में आ जाए कि नहीं मार्केट अभी अचानक बढ़ गया है या डाउन हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन लेने हैं। और वो उसी तरह जो मैंने बताया है कि अगर कॉल लेना है तो 200 पॉइंट पीछे और पुट लेना है तो 200 पॉइंट आगे। एक बार मैं फिर आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे फिलहाल निफ्टी जो है वहाँ कहाँ चल रहा है, उससे कितना पॉइंट हमें ऊपर नीचे का कॉल ऑप्शन खरीदना है, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। इस एक्सपायरी में अभी प्रीमियम गलने लग जाएंगे, हमें वो कट पीस का खेल नहीं करना है, डबल करने का खेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन लगता है सबको, तो हमें भी वो लगना चाहिए कि अभी ये सबको अगर अनसर्टेन लगता है, सब लोग ये कहते हैं कि ये रास्ता ख़राब है, तो उस रास्ते से हमें नहीं जाना है। तो देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मार्केट का जो भी लॉस था वो एक दो दिन में ही पूरा हो जाएगा, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब मार्केट फिर से अपने नए शिखरों को सर करने के लिए सज्ज हो जाएगा, और शायद दिवाली तक ये अपने पुराने जो हाईज है उससे ऊपर निकल जाए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट में जो इमेजिनरी फियर आया, उस फियर के चलते हुए मार्केट डाउन हुई, और इसके बाद वो फियर बिल्कुल समाप्त नहीं होने के बावजूद भी हमारा मार्केट और एशिया का मार्केट और यूरोप के मार्केट सब चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपको निफ्टी का ऑप्शन लेना है, ये फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी फिलहाल 24,250 पॉइंट पे वो चल रहा है, करीबन 262.75 पॉइंट अप। तो आप 24,000 का कॉल लेंगे, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ 24,000 का ही कॉल लेंगे फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी। और अगर बैंक निफ्टी में अगर इसमें पुट लेना है, मान लीजिए आप सोचते हैं कि मार्केट डाउन हो जाएगी पुट लेना है, तो फिर आपको 24,400 का पुट ले सकते हैं।
इसी तरह बैंक निफ्टी में भी अभी फिलहाल 50.29 पे चल रहा है, 280 पॉइंट अप। तो आज देखिए अप टू द लास्ट सेशन, अप टू द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द सेशन आप देखिए। और मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अभी के प्राइस पर से 50,029 चल रहा है, आपको कॉल लेना है तो आप लेंगे 49,800 का, और अगर पुट लेना है तो आप लेंगे 50,100 का। ये आपको तय करना है, स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक प्राइस। क्योंकि देखो अब मार्केट में ये कॉल मैं इसलिए बताऊँ, क्यों बता, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए मार्केट में अब थोड़ा थोड़ा सेंटीमेंट बुलिश होने लगा है, और मार्केट अभी लगता है कि बढ़ेगी, हमारी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी सोबर आएगी, हार्श नहीं आएगी, कंपनियों के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट भी अच्छे चल रहे हैं। तो हम अगर मान लो कॉल लेते हैं तो वो 200 पॉइंट इसलिए लेते हैं कि अगर इस बीच में करीब 50-100 पॉइंट की गिरावट भी आ जाए तो हमारे प्रीमियम कम गिलेंगे, आप समझे। पुट में भी ऐसा है, लेकिन फिलहाल मैं तो शॉर्ट करने की बात सोच ही नहीं रहा हूँ। अच्छे शेयर जो है आपके पोर्टफोलियो में डाल दे, लार्सन टुब्रो है, रिलायंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बाकी डिफेंस स्टॉक बढ़ गए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल में भी काफ़ी गिरावट आ चुकी है, शायद और भी गिरावट आ सकती है, लेकिन छोटी पीएसयू बैंक के प्राइस देखकर जो टू डिजिट वाले छोटी बैंक के शेयर है उनको आप ले लीजिए, रख दीजिए, भूल जाइए, अच्छे हो जाएंगे सब, बढ़िया हो जाएगा हमारा, क्योंकि पीएसयू बैंक का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। सिर्फ फूड में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ये बात सही है, इसके कारण इन्फ्लेशन रेट हमारा शायद थोड़ा सा ऊपर भी आए, तो भी अभी जैसे जैसे बारिश अच्छी हो गई, मॉनसून अच्छा आ गया है अभी तक, जैसे जैसे विंटर नज़दीक आएगा वैसे वैसे वेजिटेबल्स के दामों में अच्छी गिरावट आ जाएगी, तो हमें कोई दिवाली के दिनों में शायद इन्फ्लेशन रेट भी डाउन हो। अभी फैशन और लाइफस्टाइल के शेयरों आप देख लीजिए, जैसे आदित्य बिरला फैशन वाला है, क्योंकि दिवाली आ रही है लोग परचेस करेंगे, टू व्हीलर फोर व्हीलर में भी मैंने आपको कहा है कि फेस्टिव सीजन में ये सब चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो आप ले लीजिए। और इससे क्या होगा कि इसमें 100%, देखिए HDFC बैंक के लिए कल मैंने बोला था, आज वो बढ़ चुका है, करीब 20 रुपये बढ़े हैं उसमें, अप्रोक्सीमेटली 1620 पे चल रहा है। ONGC 328 तक चल रहा है, पे पहुंचा है। किसी ने मुझे पूछा था कि आप तो ये बढ़ेगा ऐसा बता रहे थे, ये आज घटा क्यों, तो उसको ये मेरा पर्सनल रिप्लाई है कि आप देख लीजिए बंदे, आप देख लीजिए, पेशेंस रखें और भरोसा भी रखें। इसके बाद जोमेटो जो कि कल डाउन हुआ था उसमें भी रिकवरी आई है, ऑयल इंडिया का शेयर भी बढ़ा है, 1890 शेयर्स अभी बढ़त के साथ चलते हैं, और ओनली 388 शेयर्स में प्राइस थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन आप कृपया आज ONGC में करीबन 7.17% का राइज आ गया, ल्यूपिन भी बढ़ा है, मैंने बोला था आपको कि फार्मा शेयर बढ़ेंगे, कोल इंडिया भी बढ़ रहा है,
और जीएमआर एयरपोर्ट भी 4% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अभी आप देखेंगे कि एक राजदर्शन इंडस्ट्री करके शेयर है, वो आप ले सकते हैं, 65 रुपीज का भाव है। इसका कारण ये है कि उसमें आज सिर्फ बायर्स है, कोई सेलर है ही नहीं शेयर में, और एनटीपीसी का शेयर भी आप ले सकते हैं, वेदांता का शेयर भी आप ले सकते हैं, और कोल इंडिया का शेयर भी आप ले सकते हैं। अब देखिए कि बाजार बढ़ रही है, कोई ऐसे न्यूज़ भी नहीं आए हैं कि जो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव कर दे। तो मैं ये मानता हूँ कि आज शाम तक बाजार 3:30 बजे तक बाजार ग्रीन में ही होगा। आपको अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन लेने हैं तो कृपया वेट करें, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है, लेकिन है, वो है, ज़रूर है, क्योंकि एक समय पे निफ्टी 300 पॉइंट पे पहुंच चुका था और हमने जैसा बात शुरू की तो वो 265 पॉइंट का इसमें चेंज आ गया। ये इतना लूड का मतलब अभी फिलहाल 250 पॉइंट अप है। तो आप देखिए, अगर वो डाउन आए तो इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी का लेंगे तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा। और जो चुनिंदा शेयर हैं उनको तो मैं बोल ही रहा हूँ कि आप इकट्ठे करते रहिए, इसमें यू हैव नथिंग टू लूज, थोड़ा सा हौसला रखना पड़ता है। और थोड़ा सा जो पशु पंखी, गाय, कुत्ते, बिल्लियाँ, ऐसे जो मूंगे जानवर है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप कुत्तों को कुछ खिलाइए डेली बेसिस पे, अगर घर पे बिल्ली आती है तो उसको दूध पिलाइए, उसको लात मार के निकाले नहीं। शेयर बाजार में सफल होने के लिए ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, अपनी इंटीग्रिटी अच्छी रखें, छोटी छोटी बातों में आप ध्यान न दें, आप अपने ही मकसद पे बने रहें, टाइम मैनेजमेंट का केयर करें, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही कीमती है। अच्छे गैजेट ले लें आप, ताकि आपका जो स्टॉक मार्केट का वॉचिंग है वो थोड़ा कंफर्ट जोन में रहे। स्पीकर है, मोबाइल फोन है, जेब में पॉकेट डायरी रखे, अगर कोई पॉइंट मिलता है तो उसको लिख लें। न्यूज़ और जनरल नॉलेज में अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, इससे क्या होगा कि आपको अपने आप आपका जो प्रोजेक्शंस होंगे शेयर बाजार के लिए वो सही होंगे। किसी ने मुझे पूछा है आज कि आपका पर्सनल बैकग्राउंड बताइए, तो मेरा पर्सनल बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूं। मैंने करीब 40 साल तक एक रीजनल रूरल बैंक में मैनेजर की हैसियत से नौकरी की, रिटायर्ड हो गया हूं अभी। ये मेरी हॉबी है, काफ़ी मैंने उसमें गंवाया है, मैं आई शुड ऑनेस्टली कन्फेस कि मैंने काफ़ी गंवाया हुए इसमें, लेकिन अब धीरे धीरे गाड़ी मेरी पटरी पे चल गई है। और मैं ऐसा मान के अपने को शांति देता हूँ कि जो कुछ हमने गंवाया वो स्टॉक मार्केट की फीस थी। हम कोई डॉक्टर होते हैं, एमडी बनता है, कोई कहाँ तक यूएसए पढ़ता है कोई, तो उनको खर्चा तो करना पड़ता है ना उनके वालियों को, और कोई बड़ा सा शोरूम है जो कि क्राइसिस अब चल रहा है,
कितना लाखों रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा है, लेकिन अगर कस्टमर ही नहीं आते हैं तो वो लोग मायूस हो जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये फीस थी, लेकिन जो आर्ट हमने सीखा है वो ऐसा आर्ट है कि इसमें आप मैजिक कर सकते हैं। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, मेरे सब्सक्राइबर का बढ़ने का रेट बहुत ही धीमा हो गया है। आई एम अफ्रीड एंड वरीड कि 1000 सब्सक्राइबर, आप मान के चलिए कि ओवर 700 सब्सक्राइबर्स मुझे और जुड़ने हैं, तो ये 28 दिनों में होना, ये मुझे थोड़ा अब पॉसिबल नहीं लग रहा है। न जाने क्यों 90% लोग ऐसे हैं जो मेरी चैनल को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे भैया एक बटन तो दबा दो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आज शाम तक मेरे आई शुड कंप्लीट माय फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर। अभी 344 या 345 ऐसे कुछ है, करीबन 160 चाहिए और, आज ही के आज कर दो ना यार, आपके हाथ में। देखिए मैंने कल बताया था गैप अप होगी, हो गई, मैं आपको कॉल ऑप्शन भी दे रहा हूँ, अच्छे सेल्स भी बता रहा हूँ और रेगुलर मैं मेरे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो आप सबको मैं आज के दिन में आप अच्छा मुनाफा कमाएं ऐसी शुभकामना देता हूँ और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ।